Hello friends, I am Dr. Vikas Agarwal. I am Director in the Head Department of Urology, Uro-Oncology and Kidney Transplant at Akash Healthcare Dwarka. तो जैसे कि अब सर्दी चालू हो चुकी है तो हम बात करते हैं कि सर्दियों में होने वाली कॉमन पेशाब की तकलीफ। सर्दियों में क्या होता है कि जब हमारा पसीना नहीं बनता है तो ज़्यादा पेशाब बनता है, उसकी वजह से जो है काफ़ी पेशेंट्स को ऐसा होता है कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है या पेशाब करके आने के बाद भी ऐसा लगता है कि पेशाब रह गया। तो अगर हम इसमें देखें, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है जो कि ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं और खासकर जो कि आदमी है। तो आदमियों में ये प्रॉब्लम सर्दियों में बढ़ जाती है जिसमें कि पेशाब बार बार जाना है, रात को भी उनको दो या तीन बार उठना पड़ता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, बट ये सबके साथ हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या देखना है कि हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर हम यूरिन टेस्ट कराएं उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है तो हम ये सोच सकते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें अभी करना क्या है, हमें आके अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है और एक अल्ट्रासाउंड कराना है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा प्रोस्टेट बढ़ रहा है या पेशाब अंदर रह जाता है। फिर कुछ दवाइयां हैं जो कि आपको अपने यूरोलॉजिस्ट की मदद से आपको आगे चालू करनी है। अगर दवाइयों से आपको आराम आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको शाम के टाइम पानी पीना कम करना है, चाय कॉफ़ी की मात्रा कम करनी है, स्मोकिंग अल्कोहल बंद करना है, इनसे आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है। और लास्ट, अगर आपको इसके बाद भी आराम नहीं आ रहा है तो कुछ एक छोटी सर्जरी जिसे हम एंडोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, लेजर से करते हैं, और ये वाली सर्जरी करवा के एटलीस्ट आप इस प्रॉब्लम से फ्री हो सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी देखने वालों को कि आपको अगर किसी भी टाइप की ये प्रॉब्लम है कि पेशाब में बार बार जाना, रुक रुक के आना, करके आके भी ऐसा लगना कि अभी रह गया है, या रात को उठ उठ के जाना है, तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है और टाइम रहते हुए अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच।